हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रसासन के रीमेक से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट। तो वो अपडेट क्या है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फ्रेंड्स, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक ऐसे अभिनेता है जो महज एक साल में 3 से 4 फिल्मों की शूटिंग खत्म कर देते हैं। हालांकि पिछले साल कोविड महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान अक्षय की फिल्मों की शूटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब एक्टर ने फिर से काम की स्पीड पकड़ ली है। इसी बीच खबर आ रही है कि अक्षय ने हाल ही में एक और फिल्म साइन कर ली है। पीपिंग मून की खबर के मुताबिक अक्षय तमिल सुपरहिट फिल्म रसासन के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन करेंगे रंजीत तिवारी, जिन्होंने अक्षय की बेल बॉटम का भी डायरेक्शन किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रकुलप्रीत सिंह लीड रोल में नजर आएगी। खबर के मुताबिक फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। इस अगस्त से लंदन में बायो बबल प्रोटोकॉल के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। फिल्म के कास्ट और क्रू मेंबर्स 5 अगस्त को लंदन के लिए रवाना होंगे और स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल तक लंदन में ही रहेंगे। आपको बता दें कि रसासन IMDb पर टॉप तमिल फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। रसासन की कहानी की बात करें तो ये एक साइको थ्रिलर फिल्म है जिसमें विष्णु विशाल और अमाला पॉल ने लीड रोल निभाया था। फिल्म में विष्णु एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आते हैं, जो बनना तो डायरेक्टर चाहता है, लेकिन उसके पिता की मौत के बाद उसकी भर्ती पुलिस में हो जाती है। इस दौरान वो एक केस की जांच करता है जिसमें एक साइको किलर स्कूल की लड़कियों की बेरहमी से मौत करता है। बात करें अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों की तो एक्टर सूर्यवंशी, बेल बॉटम, राम सेतु, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, पृथ्वीराज और ओह माय गॉड के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। इन फिल्मों से सूर्यवंशी रिलीज के लिए तैयार है। फिलहाल कोविड महामारी को देखते फिल्म के रिलीज को होल्ड पर डाला गया है। तो फ्रेंड्स यही थी रसासन के रीमेक से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।